दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो चटनी, जो बनने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, ब्रेड पे जैम की तरह लगा के भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है। रॉ मैंगो लिए हमने, उसको पहले पील करके धो के साफ़ कर लिया है, उसको बारीक काट के अब पानी में उबाल लेंगे। हमने एक गिलास पानी डाला है। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसको पानी को निकाल देंगे और स्ट्रेनर में डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और इसमें डलेगा क्या क्या वो देखते हैं। नमक लेना है, लाल मिर्ची एक चम्मच, सौंफ लेनी है दो बड़े चम्मच, तेल लेना है दो बड़े चम्मच और चीनी लेनी है। आप इसको गुड़ से भी बना सकते हैं, जो गुड़ का बूरा आता है उससे भी बन सकती है ये। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें सौंफ डालेंगे। जब हमारी सौंफ कलर चेंज कर लेगी, फिर हम उसमें अपने कटे हुए बॉइल मैंगो डालेंगे और उसको अच्छी तरह से सौंफ में मिक्स कर देंगे। और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जब हमारा इसका पानी आम का सूख जाएगा, फिर हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे एक चम्मच। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमारा पेस्ट गाढ़ा हो चला है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, फिर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर ढक के 2-3 मिनट के लिए उसको पकाएंगे, ताकि हमारा चीनी आम के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारी मैंगो की चटनी थोड़ी थिक हो जाए। ये देखिए, अब इसका कलर चेंज हो गया है और ये गाढ़ी हो गई है। चीनी ने भी अपनी चाशनी पूरी इसमें एब्जॉर्ब कर ली है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट डालने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।